हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मंजीत कुमार। देखो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा फैक्टर ग्रुप का काम था उसको आगे तक निकल जाते हैं। फर्स्टली एक छोटी सी प्रॉब्लम थी किसी बच्चे को, ये क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आई थी, फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन इसने क्या बोल दिया, ये दे दिया आपको। इसने बोल दिया कि इफ़ जी इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 एंड एच एंड के आर इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 एंड 19, देन शो दैट एच इन टू के इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑल्सो शो दैट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन 3। बेसिकली इसने जो क्वेश्चन आपको कह दिया है, ये बोल दिया कि कोई ग्रुप आपके पास जिसका ऑर्डर कितना है, 36 है। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है, एच और के दो सब ग्रुप है उस जी के हैं। अब उसने बोल दिया कि एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना 18 है, वो नॉर्मल है। फिर आपको ये बताना कि एच इन टू के मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप आपको यहाँ पर शो करना है कि सब ग्रुप बनेगा, और सेकेंडली फिर ये चीज़ शो करना है कि जो इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बनेगा। देखो बच्चों, बेसिकली जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर जो गिवन है ये चीज़ है कि जी आपके पास क्या है, ग्रुप है, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज 36। फिर इसने बोल दिया कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सॉरी नॉर्मल नहीं दिया, जस्ट सिंपली सब ग्रुप बोले हैं। इसने बोल दिया कि एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज 18 एंड ऑर्डर ऑफ के इज 9। फिर आपको क्या सच चीज़ शो करना है कि एच इन टू के है जो आपके पास, ये सब ग्रुप बनेगा जी का। देखो बच्चों, इसने जो बोला आपको, ये बोल दिया कि कोई ग्रुप है 36 ऑर्डर का, कोई ग्रुप है एच और के दो सब ग्रुप है जी के, एक का ऑर्डर 18 है, एक का 9 है। फिर आपको शो करना है कि फर्स्टली की जो एच इन टू के बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा जी का। देखो बच्चों, इसके अंदर जो बेसिकली एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटी सी एक थ्योरम है जो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, मेनली उसी थ्योरम पर ही है बेस्ड ये क्वेश्चन। बेसिकली जो रिजल्ट इसके अंदर यूज होने वाला है वो ये है कि इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इज नॉर्मल इन जी, देन एच इन टू के इज सब ग्रुप ऑफ जी। देखो बच्चों, बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट इसी रिजल्ट का मेन यूज है, और पूरा का पूरा थ्रू आउट बस बेसिक से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बेसिकली जो रिजल्ट क्या बोलता है वो ये है कि अगर एच और के दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, और एक भी उनमें से नॉर्मल बन जाता है, या तो एच बन जाए या फिर के बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस केस के अंदर एच इन टू के आपके पास क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा जी का। देखो जो आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप तभी बनता है अगर आपके पास क्या हो, एच के इज इक्वल टू के एच बनता हो। वैसे ही एक और ये थ्योरम बनती है कि अगर एक भी नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है तो उस केस के अंदर प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है जी का। अब इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या गिवन है, एच और के सब ग्रुप थे जी के, एच का ऑर्डर उसने क्या बोल दिया 18 है, के का ऑर्डर उसने क्या बोल दिया 9 है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक बात और बताई थी, इंडेक्स थ्योरम जब करवाई थी उसका एक प्रूफ भी करवाया था कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर अगर 2 बनता है तो वो सब ग्रुप हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एच का जो ऑर्डर आपके पास कितना है, 18 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी कितना गिवन है, 36 गिवन है, ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पर कितना गिवन है, 18 गिवन है, तो यहाँ से कितना बन चुका 2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, तो दैट इंप्लाइज बाय द इंडेक्स थ्योरम एच बिकम नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ये चीज़ है। अब जो मेनली जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसे बोलते हैं कि एच और के दो सब ग्रुप थे जी के, एक नॉर्मल गिवन है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास हमेशा सब ग्रुप बनता है जी का। अब एच आपके पास क्या है, 18 ऑर्डर का सब ग्रुप है जी का, और वो आपने प्रूव कर दिया कि क्या आपके पास नॉर्मल है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, बाय दिस रिजल्ट और दिस थ्योरम एच इन टू के बिकम द सब ग्रुप ऑफ जी। बेसिकली बच्चों, जो आपको रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है, ये आपको फर्स्टली प्रूव भी करना है, डू योरसेल्फ।
आप प्रूव करना जस्ट बेसिक कंसेप्ट है नॉर्मल सब ग्रुप के, जो एच इन टू के डिफाइन है किस टाइप के मेंबर्स आते हैं, बेसिकली जो सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी थी एक्स वाई इनवर्स वाली उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, इजिली इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है इसका प्रूफ मिल जाता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो क्वेश्चन था बच्चों इतना तो सॉल्व हो चुका कि एच इन टू के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अब सेकेंडली उसने क्या बोल दिया कि ये भी आपको शो करना है कि इंटरसेक्शन का ऑर्डर, मतलब कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर है वो हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बनेगा। अब इस पर आते हैं, देखो बच्चों अभी आपने क्या प्रूव किया है, ये चीज प्रूव कर दी कि h into k बिकम द सब ग्रुप ऑफ g। अब g का ऑर्डर आपके पास क्या है, यहां पर फाइनाइट है, तो दैट इंप्लाइज बाय द लैग्रांज थ्योरम कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट हो तो उसके इसके अंदर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ h into k डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, तो दैट इंप्लाइज यहां से ऑर्डर ऑफ h into k इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। ये चीज तो बन चुके। अब सेकेंडली आपको ये, आपको तो ये चीज शो करनी थी कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के आपके पास क्या बनेगा, हमेशा इसका ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बनेगा। अब हमें ये पता है कि अगर दो सब ग्रुप गिवन है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहां से सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, दैट इंप्लाइज यहां से मैं बोल सकता हूं कि एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो बिकम द सब ग्रुप ऑफ जी। एक तो ये चीज थी, तो दैट इज राइट। अब बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लैग्रांज थ्योरम यहां से क्या बन चुका कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ये चीज बन चुका। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां से जो पॉसिबिलिटी है एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर के होने की, वो आपको वो क्या करेगा, हमेशा 36 को डिवाइड करेगा। अब 36 के डिवाइजर कौन कौन से बन चुके हैं, यहां से ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यहां से या तो वन बनेगा, इसको मैं जस्ट सिंपली यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड 36। अब 36 के जो डिवाइजर बनते हैं वो पॉसिबिलिटी बन जाती है एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर के, या तो एक है या दो है या चार है, फिर उसके बाद सिक्स भी डिवाइड करता है, या सिक्स है या फिर नाइन है या फिर उसके बाद कौन सा है 12 भी है, या फिर आपके पास कितना 18 है या 36 है। ये बेसिकली जो इसके अंदर आपके पास जो यूजफुल है, और 3 भी है सॉरी, यही बेसिकली जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है एच इंटरसेक्शन के की, या तो एक है या दो है या तीन है या चार है या छह है या नौ है, 12, 18, 36, ये इसके इंटरसेक्शन के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है। बट मुझे तो ये प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बनेगा। अब देखो बच्चों इस चीज को तो मैं तभी प्रूव कर सकता हूं अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर है वो कभी भी 2 या 2 से कम नहीं बन सकता। अगर ये दो केस रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो शो करना आपको वो स्टेटमेंट बन जाती है, नाउ कम टू द पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये प्रूव कर दूं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के नहीं तो एक बन सकता नहीं दो बन सकता, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है वो क्या प्रूव हो जाएगा कि उसका ऑर्डर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 3 बनेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों आपको ये पता है कि एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है, सॉरी एच इंटू के इस सब ग्रुप है जी का, ये चीज हमें पता है। और इसका ऑर्डर किसके इक्वल बनता है हमेशा कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इस चीज के इक्वल बनता है। मैंने क्या कर दिया, एच ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से क्या बन चुका, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू 36 इंटू 9 अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये चीज थी। अब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि जो H इंटरसेक्शन K है इसका ऑर्डर नहीं तो एक बन सकता और नहीं दो बन सकता। अगर मैं ये चीज़ प्रूव करने के लिए यहाँ पर सक्षम हो चुका, यहाँ पर मैंने ये प्रूव कर दिया कि H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है नहीं एक बन सकता नहीं दो बन सकता, तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट अपने आप ओल्ड हो जाता है। फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर केस लेना स्टार्ट कर दिया, केस फर्स्ट
कि इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज वन, तो दैट इंप्लाइज यहां से ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू 36 इंटू 9 अपॉन 1 विच इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज यहां से बन चुका कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू की के इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, ये चीज बन जाती है। और हमने अभी बोला था इस बात को कि h इंटू के का जो ऑर्डर है कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो या इसका मतलब ये है कि h इंटरसेक्शन k का जो ऑर्डर है वन नहीं बन सकता यहाँ से। क्यों अगर h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर वन बन जाता है तो उस केस के अंदर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा बन जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब सिमिलरली सेकेंड केस मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया केस सेकेंड, इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के अगर 2 बनता है यहां पर पुट कर दे वैल्यू, तो यहां से ऑर्डर ऑफ एच इंटू के कितना बन जाएगा 36 इंटू 9 अपॉन 2 18, और इसकी वैल्यू बन चुकी है यहां से 162 विच इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज यहां से बन चुका कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। तो यहां से बन चुका बच्चों कि जब कभी भी अगर H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर अगर आपके पास 2 बनता है तो उस केस के अंदर फिर से वही बात, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा बन जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का हो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इंप्लाइज कंट्राडिक्शन का भाई, कंट्राडिक्शन तो तब भाई जब आपने माना कि H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो 2 बन जाए। तो इसका मतलब ये बच्चों कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर है आपके पास न ही तो 1 बन सकता न ही 2 बन सकता, तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो यही बन जाती है कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर यहां से क्या बन चुका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बन चुका। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो बच्चों जो क्वेश्चन था इसका प्रूफ तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर मैं और ज्यादा करेक्शन डालना चाहूँ, फिर अगर मैं ये चीज भी चेक करना चाहूँ क्या इसका ऑर्डर 3 बन सकता है, अगर इसको और देखते हैं तो उसके इसके अंदर और कौन कौन से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उस पर और आते हैं, थोड़ा और इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज 3, तो उसके इसके अंदर बच्चों क्या आ जाता है, यहां पर पुट कर दे वैल्यू, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू 36 इंटू 9 अपॉन 3, तो यहां से बन चुका 12 108, तो फिर भी उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है बच्चों कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर यहां से 3 भी नहीं बन सकता है। क्यों, अगर एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 3 बन जाता है तो फिर से वही बात, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा बन जाएगा और विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये बच्चों यहां से भी कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। इनफैक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये बच्चों अगर 3 से बड़ा है तो जो इनक्वालिटी है तो भी ओल्ड होती है। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन था, जो ये स्टेटमेंट थी, इसका प्रूफ बन जाता है। इस टाइप से बच्चों एक ईजी सा क्वेश्चन था, आपको इसको इस टाइप से सोचना था, करना था काम। देखो जो इसके अंदर जो मैंने मेनली जो रिजल्ट यूज किया है कि जी कोई ग्रुप है, एच नॉर्मल है, के कोई भी सब ग्रुप है, तो एच इंटू के सब ग्रुप बनेगा जी का, उसका प्रूफ बच्चों आपको अपने आप करना है। इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको सोचना था बच्चों, आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना था। इस टाइप से इसका छोटा सा एक प्रूफ था जो मैंने आपको करवा दिया, जो मेनली जो इसके अंदर रिजल्ट आपको बताया बच्चों, उसको अच्छे ढंग से करना, उसका प्रूफ अपने आप बनाना है। अब देखो बच्चों जो हमने कल किया था काम, उस काम को अपने काम को आगे लेकर जाते हैं। जस्ट मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, और रिजल्ट दरअसल क्या था, प्रूफ भी दिया था इसका, वो ये था कि इफ जी मोड जेड जी इज साइक्लिक देन जी इज एबेलियन। देखो बच्चों मैंने आपको कल एक ये रिजल्ट करवाया था, एक थ्योरम करवाई थी, ये इसका मैंने प्रूफ भी बताया था कि जब कभी भी जी मोड जेड जी साइक्लिक बन जाता है तो उस केस के अंदर जी हमेशा एबिलियन बनता है। इसके अंदर मैं कुछ एक चीजें और बताना चाहता हूँ आपको। देखो जो ये रिजल्ट है, आप
एट रैंडमली नहीं लगा सकते। अगर नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास सेंटर वाला नहीं है तो मतलब कि आप ये बोलो कि जी मोड एच लिख दो और एच आपके पास सेंटर ना बनता हो तो उस केस के अंदर ये रिजल्ट होल्ड हो, कोई जरूरी नहीं। ये रिजल्ट आपके पास हमेशा तभी होल्ड है अगर आपके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप आपने जो लिया है वो आपके पास क्या हो, सेंटर वाला हो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप हो। सेकेंडली इसके लिए आप एक काउंटर एग्जाम्पल भी कर सकते हो। कल ही मैं एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मेहली बच्चे ने उसने क्या किया था, ये रिजल्ट एट रैंडमली लगा दिया था, यहाँ पर जेड जी की जगह पर एच कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप था, उसके लिए बोलते कि सर ये क्वेश्चन तो बना नहीं, बट दिस रिजल्ट इज होल्ड व्हेन जेड जी इज द सेंटर ऑफ जी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एच मान लें कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके इसके अंदर जी मोड एच अगर साइक्लिक है तो जी हमेशा एब्लिन बनेगा। ये रिजल्ट तो तभी होल्ड है अगर जो आपने ये सब ग्रुप लिया है जेड जी आपके पास हमेशा सेंटर ही बनता हो। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली देखो तो जो ये थ्योरम बताई गई है आपको इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स इज ऑल्सो होल्ड। इसका जो कन्वर्स है बच्चों वो भी ट्रू है। फर्स्टली इसका प्रूफ तो मैं करवा चुका था, कन्वर्स आज बता देता हूं कैसे करना है। कन्वर्स पर आते हैं। कन्वर्स दरअसल क्या बनता है इसका, वो ये है कि इफ जी इज एबिलियन देन जी मोड जेड जी साइक्लिक। ये चीज है। देखो बच्चों आप ये चीज तो प्रूव कर चुके कि जी मोड जेड जी जब कभी भी साइक्लिक है तो उसके इसके अंदर जी हमेशा एबिलियन है। अब कन्वर्स इसका ये है कि अगर जी एबिलियन हो तो उसके इसके अंदर जी मोड जेड जी क्या बनेगा, हमेशा साइक्लिक बनेगा। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं, मेनली आपको क्या गिवन है, जी एबिलियन है, सिंस जी इज एबिलियन। अब जी एबिलियन है तो हमें यह पता है कि जब कभी भी कोई ग्रुप एबिलियन हो तो उसका सेंटर हमेशा उस ग्रुप के इक्वल बनता है। इफ एंड ओनली इफ के अंदर इस चीज को हम डील कर चुके, दैट इंप्लाइज यहां से जेड जी इज इक्वल टू जी, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका कि ऑर्डर ऑफ जी मोड जेड जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी, या फिर ये भी बोल सकता हूं मैं यहां पर कि सिंस जी इज इक्वल टू जेड जी तो दैट इंप्लाइज जी मोड जेड जी इज इक्वल टू जी मोड जी इज आइसोमोर्फिक टू आइडेंटिटी, दैट इंप्लाइज यहां से इसके अंदर पुट करता हूं वैल्यू इस चीज के अंदर, दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका ऑर्डर ऑफ जी मोड जेड जी इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जी मोड जेड जी आपके पास क्या बन चुका, इसका ऑर्डर वन बन चुका, और जी मोड जेड जी है सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। आप ये भी बोल सकते थे यहां से कि जी मोड जेड जी इज आइसोमोर्फिक टू जेड वन, और जेड वन आपके पास क्या है, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जेड एन इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दैट इंप्लाइज यहां से प्रूव हो चुका कि जब कभी भी जी एबिलियन है तो जी मोड जेड जी हमेशा क्या बनेगा, आइसोमोर्फिक टू जेड वन, एंड जेड वन इज ऑलवेज साइक्लिक, तो दैट इंप्लाइज जी मोड जेड जी इज द साइक्लिक ग्रुप। तो इस टाइप से बच्चों जो एक कन्वर्स था इस थ्योरम का इस टाइप से बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ पर जो मेनली चीज थी ये थी कि जब कभी भी जी मोड जेड जी साइक्लिक है तो जी हमेशा एबिलियन है। ये रिजल्ट कई बार आया भी हुआ है जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर, मेनली इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत कई बार मिलते हैं। देखो बच्चों यहां से हम ये भी बोल सकते थे कि इफ जी इज नॉन एबिलियन, इफ जी इज नॉन एबिलियन देन जी मोड जेड जी इज नेवर साइक्लिक। देखो बच्चों जो मेनली जो रिजल्ट आपको बताया था मैंने कि जब कभी भी जी मोड जेड जी साइक्लिक है तो जी हमेशा एबिलियन है, उसको आप एक छोटी सी क्रोलरी भी बना सकते थे इसकी कि जब कभी भी जी आपके पास क्या नॉन एबिलियन है तो उसके इसके अंदर जी मोड जेड जी कभी साइक्लिक नहीं बन सकता। इसका बच्चों प्रूफ कैसे करते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों हमें तो ये पता है
आपको बेसिकली क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करना है कि जी मोड जर्जी कभी भी साइक्लिक नहीं बन सकता, ये चीज शो करनी है मुझे मेनली इसके अंदर। देखो बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं, अगर जी मोड जर्जी साइक्लिक बनता है, इफ जी मोड जर्जी इज साइक्लिक देन जी इज एबिलियन। वन लाइन प्रूफ था एक छोटा सा इसका कि जी मोड जर्जी आपके पास साइक्लिक है तो उसके इसके अंदर जी हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। बट सिचुएशन क्या है, गिवन क्या है आपको डाटा, ये चीज गिवन है कि इफ जी मोड जर्जी इज नॉन एबिलियन, सॉरी आपको प्रूव क्या करना था, यहां से ये चीज प्रूव करना था कि जी इज नॉन एबिलियन हो तो उसके इसके अंदर जी मोड जर्जी कभी साइक्लिक नहीं बनता। अगर जी मोड जर्जी साइक्लिक बनता है तो जी आपके पास क्या बन जाएगा, एबिलियन, विच इज कंट्राडिक्शन क्योंकि गिवन क्या आपको जी इज नॉन एबिलियन गिवन है। दैट इंप्लाइज इस टाइप से कि छोटा सा इसका वन लाइन प्रूफ भी था क्योंकि जी को क्या बनना पड़ जाएगा उसके इसके अंदर, एबिलियन, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि गिवन आपको क्या है, जी इज नॉन एबिलियन। तो इस टाइप से बच्चों की छोटा सा क्रोलरी थी इस चीज की। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों आज हम जो बेसिकली करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे पास, एक बार क्वेश्चन भी आया था शायद ऐसा नेट के अंदर आया था, एक बार कई बार मिलते हैं गेट में भी मिल जाता है क्वेश्चन इस टाइप का कि क्या मोड जेड। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्या मोड जेड को ही डिस्कस करेंगे कि फैक्टर ग्रुप क्या मोड जेड। देखो तो क्या मोड जेड है, किस टाइप से इसके अंदर काम चलता है, आपको अगर याद हो तो मैंने एक दिन आपको ये बताया था जब लैग्रांज थ्योरम वगैरह की थी वहाँ पर इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि ऐसा भी एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट हो बट उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर कितना फाइनाइट हो। एग्जाम्पल मैंने ये दिया था क्या मोड जेड, आज वो दिन आ चुका है कि आप क्या मोड जेड को डिस्कस कर चुको उसी को ही डिस्कस करते हैं मेनली। देखो बच्चों क्या के अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, वो ये थे क्या के अंदर इस टाइप के मेंबर है, पी अपॉन क्या टाइप के मेंबर है सच दैट क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी और क्या का जी सी डी आपके पास कितना वन हो एंड पी बिलोंग्स टू जेड एंड क्या बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास क्या बेसिकली जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है क्या की, रैशनल नंबर के सेट की, और इंटीजर का सेट हमारे पास कौन सा था, जस्ट सिंपली वही चीज़ आपको याद है 0, 1, 2, 3 अप टू सो एंड सो फोर, ये सेट हमारे पास क्या है इंटीजर का 1, -1, -2 एंड सो एंड सो फोर, ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों जो आपके पास क्या मोड जेड है, किस टाइप का ग्रुप है, इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का जो है हमारे पास क्या है, दरअसल यहाँ पर एक ग्रुप है बट इसके अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सबका ऑर्डर कितना फाइनाइट है, आज हम उसी चीज़ को प्रूव करते हैं। देखो बच्चों क्या वो आपके पास क्या था, ये एलिमेंट थे क्या के अंदर, जेड आपके पास क्या था इंटीजर का सेट था, वो ये था। अब क्या मोड जेड है, अब देखो बच्चों बेसिकली हम रिजल्ट का यूज करते हैं क्या हमारे पास क्या है एबिलियन ग्रुप है, इसको हम स्टार्टिंग में जब एबिलियन ग्रुप किया था उसको डिस्कस कर चुके हैं, और जेड आपके पास क्या सब ग्रुप है किसका क्या होगा, और एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका द सेट ऑफ इंटीजर बिकम द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि क्या मोड जेड इज डिफाइन, तो यहाँ से क्या मोड जेड है डिफाइन भी होता है। अब सेकेंडली हमारा जो टारगेट है ये चीज़ प्रूव करना कि क्या मोड जेड है, इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है बट इसके अंदर जितने भी मेंबर एग्जिस्ट करते हैं सबका ऑर्डर कितना है फाइनाइट है। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों क्या मोड जेड के अंदर दरअसल जो मेंबर्स आते हैं वो किस फॉर्म के थे, वो ये थे क्या मोड जेड, इस टाइप के मेंबर्स आएंगे इसके अंदर एम अपॉन एन प्लस जेड टाइप के सच दैट एम अपॉन एन बिलोंग्स टू क्या, बेसिकली इस टाइप के मेंबर्स आते हैं इसके अंदर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए प्लस जेड टाइप के सच दैट ए बिलोंग्स टू क्या, एक ही बात है क्योंकि क्या के अंदर मेंबर तो पी अपॉन क्या टाइप के ही बनने हैं, पी अपॉन क्या टाइप के बोल दो एम अपॉन एम टाइप के बोल दो चेंज हो जाएगी सारी सारा डाटा उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों फर्स्टली तो मेरा टारगेट ये है कि क्या मोड जेड के अंदर शो करना है कि द ऑर्डर ऑफ क्या मोड जेड इज ऑलवेज इनफाइनाइट। नाउ कम टू द पॉइंट,
देखो जो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, वैल्यू बनानी स्टार्ट कर दी। फर्स्टली तरते हैं, देखो जो क्यू मोड जेड है इसके अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर है वो क्या है, जेड है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, एम को तो वन कर दिया, एन को चलाना स्टार्ट कर दिया। एन को चलाता हूँ तो कौन कौन से नंबर जाते हैं, वन कर दिया। एन को चलाना स्टार्ट कर दिया, एन को एक बार वन ले लिया, जेड प्लस वन है, वन किसके अंदर है, जेड के अंदर, तो दैट इम्प्लाइज जेड प्लस वन इज नथिंग बट जेड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू कर दिया, फिर थ्री कर दिया, फिर फोर कर दिया, फिर फाइव कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर। फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एम को टू कर दूंगा, फिर एन को चलाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस टाइप से बच्चों जो आपके पास ये क्यू मोड जेड है इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट बन जाते हैं। एक तो ये चीज थी, सेकेंडली यहां से ये चीज बन जाता है इजिली कि m अपॉन n को चेंज करते रहो, n की वैल्यू एक बार फिक्स कर दो, दो कर दो, m की वैल्यू वन कर दो और n को चलाना स्टार्ट कर दो। इस टाइप से आपके पास क्या इनफाइनाइट मैनी मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि n है, कहां से जाना है, इंटीजर के अंदर से मिलना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या इनफाइनाइट मैनी है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की इस टाइप से जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट ये लेयर बनाई हमने, इसके अंदर ही इनफाइनाइट मैनी मेंबर आ चुके हैं। तो और जो नेक्स्ट लेयर जो जितनी बननी है, तो यहाँ से क्या बनता है कि क्या मोड जेड है, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसका जो ऑर्डर है आपके पास कितना बन चुका, इनफाइनाइट बन चुका। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ क्या मोड जेड इज इनफाइनाइट। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली अब टारगेट मेरा दरअसल क्या है, क्या मोड जेड के अंदर ये चीज़ शो करना है कि जितने भी इसके अंदर मेंबर प्रेजेंट है सारे के सारे के सबका ऑर्डर कितना फाइनाइट है। तो मैंने क्या कर लिया, आर्बिट्री मेंबर उठा लिया यहां से, लेट लेट एम अपॉन एन प्लस जेड बिलोंग्स टू क्यू मोड जेड बी द आर्बिट्री मेंबर। एक ये मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा, एक ही जस्ट सिंपल सा एलिमेंट ले लिया किसके अंदर, क्यू मोड जेड के अंदर, कोई भी एट रैंडमली एलिमेंट है, आर्बिट्री मेंबर ले लिया दरअसल मैंने ही। अब बात दरअसल ये थी कि इस एलिमेंट का ऑर्डर अगर मैं ये चीज़ शो कर देता हूँ, क्यू मोड जेड का जो ये मेंबर है इसका ऑर्डर कितना फाइनाइट है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि क्यू मोड जेड के अंदर जितने मेंबर थे सबका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फाइनाइट। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको n से चलाना स्टार्ट कर दिया, n का मल्टीपल बना दिया, n अपॉन m प्लस जेड, ये बन चुका है, इसको इस टाइप से बना दिया। क्योंकि इस मैंने जस्ट क्या किया, सिंपली इस मेंबर को n टाइम रिपीट कर दिया। n टाइम का फायदा क्या है, देखो बच्चों जो डिनोमिनेटर में चीज़ आपको गिवन होती है इतने टाइम रिपीट करना स्टार्ट कर दिया करो, उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, वो अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, जस्ट सिंपली m अपॉन n प्लस जेड प्लस m अपॉन n प्लस जेड प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस m अपॉन n प्लस जेड, ये चीज था कितने टाइम, n टाइम्स, ये चीज है। अब जो सिंपल प्रॉपर्टी थी क्यूशेंट ग्रुप के, उसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन किस टाइप से चलते हैं उसी का यूज करते हैं। तो यहां से क्या बन चुका, m अपॉन n प्लस m अपॉन n प्लस m अपॉन n प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस m अपॉन n प्लस z, कितने टाइम है ये, n टाइम्स, ये चीज बन चुका। तो यहां से क्या बन चुका, ये बन चुका आपका। n इंटू एम अपॉन एन प्लस जेड इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन प्लस जेड। अब देखो बच्चों इससे जो कैंसिल होती है वैल्यू क्या बन जाती है, ये बन चुका m प्लस जेड, और m आपके पास क्या था, इंटीजर था, आपको डेफिनेशन याद हो तो क्या हो कि जस्ट m इज एन इंटीजर। अब देखो बच्चों m आपके पास क्या इंटीजर है, m इज द मेंबर ऑफ z। अब फिर से वही बात, जब कभी भी सब ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर लेकर कोसेट तैयार किया जाता है तो वो कोसेट हमेशा उस सब ग्रुप का इक्वल बनता है। दैट इंप्लाइज ये कोसेट है बच्चों किसके इक्वल बन चुका, जेड के इक्वल बन चुका, और जेड आपके पास क्या थी, क्या मोड जेड की आइडेंटिटी मेंबर था। तो इसका मतलब ये उसका बच्चों कि इस मेंबर को अगर आप एनी टाइम रिपीट करते हो तो आपके पास क्या बनता, आइडेंटिटी बनता है।
तो दैट इंप्लाइज यहां से बन चुका कि ऑर्डर ऑफ m अपॉन n प्लस z इज फाइनाइट, या फिर ये भी बोल सकते थे कि ऑर्डर ऑफ m अपॉन n प्लस z इज लेस देन और इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी आप इसके अंदर से कोई भी मेंबर उठाते हो, एट रैंडमली मान लो आपने क्या उठा लिया, m अपॉन n प्लस z उठा लिया, इसका जो ऑर्डर है बच्चों आपके पास n से छोटा बनेगा, n या n से छोटा बनेगा। जस्ट सिंपली ये छोटा सा प्रूफ किया हमने, एक तो ये चीज थी। सेकेंडली इसके अंदर देखो बच्चों, यहां से आप ये तो प्रूव कर चुके क्या मोड z है, इसका ऑर्डर कितना इनफाइनाइट है, और इसके अंदर जो कोई भी मेंबर है उसका ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है। जस्ट आपको क्या करना है, अगर कोई भी एट रैंडमली आपको एक इसके अंदर से कोई एलिमेंट दे देता है, तो आप क्या क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू बनती है n की, उतने टाइम रिपीट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। अब n तो आपके पास क्या है, कोई फिक्स कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देगा वो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, रिपीट करना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि क्या मोड z इज द इनफाइनाइट ग्रुप बट इट हैज एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, क्या से बन चुका, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या वो मोड z बी द इनफाइनाइट ग्रुप बट ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट हैविंग फाइनाइट ऑर्डर। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसको ये और प्रूव करते हैं कि क्या मोड z है आपके पास, क्या मोड z कभी भी साइक्लिक नहीं बनता, इसको और प्रूव करते हैं। जो जो ये बुक है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है, कंटम कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, विजय खन्ना एस के बामरी, खन्ना बामरी की जो बुक है, इसके अंदर मेनली पेज है 117 पेज है इसका, उसके अंदर बेसिकली इसके इसने दे भी रखा है कि सो दैट क्यू मोड जेड इज द इनफाइनाइट ग्रुप एंड इट इज नॉट साइक्लिक, एक्सरसाइज है इसकी और क्वेश्चन नंबर 20 मेनली उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। जस्ट उसका सिंपल सा एक छोटा सा प्रूफ था, इसके अंदर थोड़ा सा और पार्ट बचता है। इसके अंदर तो जस्ट इसने बोला था कि क्यू मोड जेड को प्रूव करो कि इनफाइनाइट ग्रुप है, बट हमने तो साथ साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि क्या मोड z है इनफाइनाइट ग्रुप है, और इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं, क्या मोड z के अंदर जितने मेंबर प्रेजेंट हैं सबका ऑर्डर कितना है, साथ साथ में फाइनाइट भी है। और फिर ये भी शो करना है मुझे कि क्या मोड z इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, इसको और प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, टारगेट मेरा दरअसल क्या है, ये चीज शो करना है, शो दैट क्यू मोड जेड इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये चीज है। देखो जो इसका प्रूफ देखते करते हैं, आपको जो सिंपली क्या शो करना है कि आपके पास क्या साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता, इनफैक्ट ये एबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक, कैसे प्रूव करते हैं उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, क्या वो आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और जेड क्या है मेरे पास, सब ग्रुप है क्या का, और किस टाइप का है, नॉर्मल सब ग्रुप है क्या का। तो इसका मतलब है क्या मोड जेड आपके पास क्या बनता है, डिफाइन भी होता है साथ साथ, क्योंकि देखो तो डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि अगर डिफाइन ही नहीं बनता तो फिर ये चीज क्वेश्चन है मीनिंगलेस बात हो जाती है। अब देखो जो क्या मोड जेड है, आपको क्या शो करना है, इट इज नॉट साइक्लिक। अब देखो जो क्या मोड जेड अगर साइक्लिक होता है, इफ क्या मोड जेड इज साइक्लिक, और हमें ये पता है कि क्या मोड जेड का जो ऑर्डर है वो कितना है, इनफाइनाइट है,
इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप, अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और वो साइक्लिक है तो हमेशा आइसोमॉर्फिक बनेगा जेड के। तो दैट इंप्लाइज उस केस के अंदर क्या मोड जेड है, इट्स बिकम आइसोमॉर्फिक टू जेड। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली, हमें ये पता है कि जो जेड है इंटीजर का सेट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मेंबर है जिसका ऑर्डर वन है, और जितने भी मेंबर है जेड के अंदर सबका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। बट अभी हमने ये प्रूव किया है कि क्यूमोड जेड इज द इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, बट ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इज फाइनाइट। और कितने कितने ऑर्डर के, अब जब आगे करेंगे इन फ्यूचर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यूमोड जेड को, तो वहां पर एक ऑर्डर का भी एलिमेंट शो करेंगे, इसके अंदर दो का भी, तीन का भी, चार का भी, हर ऑर्डर का एलिमेंट शो करेंगे इन फ्यूचर जब डिस्कस करेंगे इस बात को। फिलहाल तो अभी जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्यूमोड जेड है, हमें ये पता है कि जो क्यूमोड जेड है ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप प्लस ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इज फाइनाइट ऑर्डर। जितने भी इसके अंदर मेंबर है सारे के सभी 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 का ऑर्डर कितना फाइनाइट है। बट इसका मतलब ये उसका यहां से कि क्यूमोड जेड के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। तो दैट इंप्लाइज देयर इज नो सच एलिमेंट इन क्यूमोड जेड हैविंग ऑर्डर इज इनफाइनाइट, हैविंग ऑर्डर इज इनफाइनाइट। बट जेड के अंदर तो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का मेंबर प्रेजेंट है, इनफाइनाइटली मैनी ऐसे मेंबर है जेड के अंदर जिसका ऑर्डर कितना इनफाइनाइट है। बट क्यूमोड जेड के अंदर तो एक भी ऐसा मेंबर नहीं है प्रेजेंट जिसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। तो दैट इंप्लाइज विच इज कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये बच्चों कि क्यूमोड जेड है कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं बनता जेड के साथ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है जेड के साथ, तो दैट इंप्लाइज इट इज नॉट साइक्लिक। तो यहां से बन चुका कि क्यूमोड जेड is not a cyclic group। इस टाइप से बच्चों की छोटी सी प्रॉब्लम थी, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब मैं आपको इसके अंदर एक और बात बताता हूं जो मेनली यूजफुल भी है बहुत ज्यादा। देखो बच्चों, इसी जो अभी जो रिजल्ट प्रूव किया है इसके अकॉर्डिंग, देखो मैं आज आपको एक और चीज सिखाता हूं कि शो दैट क्यू आर सी इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। देखो जो पहले भी इस बात को वैसे तो एक्सरसाइज के तौर पर मैंने दिया भी था आपको, थोड़ा बहुत बताया भी था कि कैसे साइक्लिक नहीं बनता। आज हम इसका जो प्रूफ है दूसरे तरीके से और करते हैं। हमारा जो टारगेट है ये चीज़ प्रूव करना है कि क्या है, आर है, सी है, वो आपके पास क्या नहीं बनता, साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता। फर्स्टली मैं क्या चीज़ शो करता हूँ कि क्या है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता, उस पर आते हैं प्रूफ। देखो तो मैंने क्या ले लिया यहां पर, फसली जी को क्यू मान लिया, और जो जेड है इंटीजर का सेट है, नॉर्मल सब ग्रुप है क्यू का, इसका मतलब क्यू मोड जेड हमारे पास क्या है, डिफाइन है। अब देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने इस थ्योरम को डिस्कस किया था कि जब कभी भी ग्रुप साइक्लिक है तो क्यूशेंट ग्रुप हमेशा साइक्लिक बनता है, उसका कन्वर्स टू नहीं बनता। अब देखो बच्चों, इफ जी इज साइक्लिक, सॉरी इफ क्यू इज साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप, तो उस केस के अंदर क्यूमोड जेड को भी क्या बनना पड़ेगा, इज ऑल्सो बिकम द साइक्लिक ग्रुप। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर क्यू साइक्लिक बनता है तो क्यूमोड जेड को भी क्या बनना पड़ जाएगा, यहां से साइक्लिक। बट अभी हमने प्रूव किया है कि क्यूमोड जेड कभी भी साइक्लिक नहीं बनता, तो विच इज कंट्राडिक्शन। बट क्यूमोड जेड इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप अभी प्रूव किया है,
दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका है कि क्या वो इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप विच इज, तो यहाँ से क्या बन चुका है, क्या वो आपके पास कभी साइक्लिक नहीं बनता है? क्यों? अगर क्या वो साइक्लिक बनता है तो क्या वो मोडजेड को क्या बन जाएगा, बनना पड़ेगा साइक्लिक, बट क्या वो मोडजेड साइक्लिक नहीं बनता, तो यहाँ से बन चुका है क्या वो इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली आप प्रूव करते हैं कि आर भी आपके पास क्या नहीं बनता, कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता, उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या ले लिया, अब जी को आर ले लिया, लेट जी इज सेट ऑफ रियल नंबर, और एच मैंने क्या बनाया, अब इंटीजर का सेट ले लिया एक। अब इंटीजर का सेट है, इट्स द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर रियल नंबर के सेट का। अब आर मोड जेड यहां से क्या बन चुका, डिफाइन हो चुका। अब इसके अंदर से बच्चों मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट उठा, लेट Z प्लस 1 बाय 2 बिलोंग्स टू R मोड Z, ये चीज है। इसका ऑर्डर फाइंड आउट किया, ऑर्डर ऑफ Z प्लस 1 बाय 2, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने। फर्स्टली इसको दो बार रिपीट किया, Z प्लस 1 बाय 2 प्लस Z प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू Z प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू Z प्लस 1 इज इक्वल टू Z। इसका मतलब ये बच्चों, इसको दो बार रिपीट करते हो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो वो आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से इसका ऑर्डर कितना बन चुका, दो बन चुका। तो इसका मतलब ये बच्चों कि R मोड Z है जो आपने ग्रुप बनाया है, इसके अंदर दो ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से बन चुका कि R मोड Z इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। क्यों? अगर R मोड Z साइक्लिक बनता है तो इसको आइसोमॉर्फिक बनना पड़ेगा Z के साथ, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी मेंबर है। अब आइसोमॉर्फिक बनता है Z के साथ, और Z के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट जिसका ऑर्डर कितना है, दो है, बट इसके अंदर तो आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका है जिसका ऑर्डर कितना है, दो है। तो इसका मतलब यहाँ से बन चुका कि R मोड Z इज नॉट ए साइक्लिक। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर ये साइक्लिक है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, साइक्लिक बनना पड़ेगा, बट R मोड Z इज नॉट साइक्लिक, तो दैट इंप्लाइज R इज नॉट साइक्लिक। तो इस टाइप से बच्चों यहां से क्या भी प्रूव हो चुका, R भी प्रूव हो चुका। सिमिलरली सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग R की जगह पर अगर आप C कर देते हो तो भी ये प्रूफ बनता है। तो इस टाइप से बच्चों आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम थी कि क्या वो आर सी है, ये कभी साइकिल ग्रुप नहीं बनते। तो इस टाइप से एक छोटा सा कंसेप्ट था, प्रूफ था, आपको इस टाइप से भी सोच सकते थे इसको। इस टाइप से बच्चों आपको काम करना था, अच्छे ढंग से किया करो काम। मेनली अभी तो फिलहाल मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है मेनली है ये, विजय खन्ना एस के बांबरी की। कुछ प्रॉब्लम उठाता रहता हूँ, इसको सॉल्व किया करो, पढ़ा करो बच्चों, अच्छी अच्छी बुक फॉलो करो। थैंक यू।